जिनको कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो सारगर्भित पूछो, क्या पूछना चाहती है? जल्दी से जल्दी आत्मसाक्षात्कार कैसे हो? कोई गला दबोच दे तो बाहर निकलने की कैसी रुचि होती है, ऐसे ही संसार से पार होने की तीव्र रुचि होगी तो जल्दी होगा। जितना तड़फ ज्यादा होगी ईश्वर के लिए उतना जल्दी होगा। वैराग्य टिकता नहीं है गुरुदेव। वैराग्य नहीं टिकता है तो वैराग्यवान का संग करो और शमशान में जाकर बैठो, अपने मन को बताओ और ईश्वर की ओर पढ़ो। माया का स्वरूप क्या है और माया से कैसे बचना चाहिए? माया जो दिखे और टिके नहीं, ये माया का स्वरूप है जो बदल जाता है। माया से बचना कैसे चाहिए? जो दिखता है वो सपना है और परमात्मा अपना है। परमात्मा को प्राप्ति करने की इच्छा से माया से बचता है। भगवान की शरण हृदय पूर्वक जाने से माया से बचते। मुक्ति और आत्म साक्षात्कार एक ही है कि अलग अलग है? मुक्त का मतलब है बंधनों से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना। तो दुखों से मुक्त आत्म साक्षात्कार के बिना हुआ नहीं जाता। परमात्मा की प्राप्ति कहो मुक्ति कहो एक ही बात है। मुक्ति भी पांच प्रकार की होती है। यहाँ से मर गए स्वर्ग में चले गए, इसको स्वर्गीय मुक्ति कहते हैं। ठाकुर जी का भजन करते ठाकुर जी के देश में चले गए, वो सायुज्य मुक्ति होती है। फिर ठाकुर जी के नजीक रहे तो सामीप्य मुक्ति, और नजीकी हो गए मंत्री की नाई सायुज्य मुक्ति सामीप्य मुक्ति। लेकिन वास्तविक में पूर्ण मुक्ति होती है कि जिसमें ठाकुर जी जिस आत्मा में मैं रूप में जगे उसमें अपने आप को जानना, ये जीवन मुक्ति होती है। जीते जी यहाँ होती है, दूसरी मुक्ति मरने के बाद होती है। स्वर्गीय मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, इष्ट के लोक में रहना सालोक्य मुक्ति है। उनका कोई चपरासी अथवा द्वारपाल जितनी नजीकी लेना सायुज्य मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति। उनका खास मंत्री अथवा भाई की बराबरी, जैसे रहते राजा का भाई ऐसे हो जाना भक्ति से सारूप्य मुक्ति। इन मुक्तियों में द्वैत बना रहता है, ये अलग है मैं अलग हूँ, और ये खुश रहे उनके जैसा सुख सुविधा अधिकार भोगना, ये सालोक्य सामीप्य मुक्तियाँ हैं। अपूर्ण मुक्ति के अपने आत्मा की पूर्णता का साक्षात्कार करके यही पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु के ज्ञान में अनंत ब्रह्मांड व्यापी अपने चैतन्य स्वभाव से एकाकार होना, ये जीवन मुक्ति है, ये परम मुक्ति है। मुक्तियों के पांच भेद, यहां से मर के स्वर्ग में गए चलो मुक्त हो गए, वहां राग द्वेष भी ज्यादा नहीं रहता कम होता है, लेकिन फिर भी इधर से तो बहुत अच्छा है, तो हो गए मुक्त। जैसे कर्जे से मुक्त हो गए, झगड़े से मुक्त हो गए, तलाक दे दिया झंझट से मुक्त हो गए, ऐसी मुक्तियां तो बहुत है। लेकिन पूर्ण परमात्मा को पाकर बाहर से सुखी होने के बदले सत में चित्त में आनंद में स्थिति हो गई, वह पूर्ण मोक्ष, उसको जीवन मुक्ति बोलते, कैवल्य मुक्ति बोलते। जगत है ही नहीं, उसका अनुभव आत्मा को होता है या अहंकार को होता है? जगत है नहीं, जैसे सपना दिख रहा है उस समय सपना है, ये जगत नहीं है ऐसा नहीं लगता। जब सपने से उठते हैं तो लगता है कि सपने का जगत नहीं है। ऐसे ही अपने आत्मदेव में ठीक से जगते हैं तो फिर जगत की सत्यता नहीं दिखती, तो बोले जगत नहीं है। तो जगत नहीं है ऐसा बोलने से तो कोई गरम चिमटा लगा के तो समय तो दुख होगा, लेकिन दुख होता है तो जो जिसको दुख होता है वो भी वास्तव में नहीं है, सदा नहीं है। तो जो सदा है उसमें स्थिति करके समझाने के लिए बोला जाता है जगत नहीं है। तो वो एक होती है व्यवहारिक सत्ता, दूसरी होती है प्रतिभासिक सत्ता, और तीसरी होती है वास्तविक सत्ता। जैसे आप हम अभी बैठे हैं ये व्यवहारिक सत्ता है। अब जगत नहीं है तो बापूजी क्यों बोलते हो, सत्संग में क्या आ रहे हैं, नहीं कैसे है? तो व्यवहारिक सत्ता में जगत है। दूसरा प्रतिभासिक, जैसे सपने में दिखा तो उस समय तो सच्चा लगा लेकिन आंख खुली तो नहीं। और तीसरा है वास्तविक सत्ता, इस समय भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, स्वप्न में भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है,
और ये दोनों नहीं है फिर भी जो वास्तविक सत्ता है उसमें टिक के बोलो तो जगत है नहीं, न स्वप्ना है न जागृत है न गहरी नींद है, तीनों आ आ के चले जाते, फिर भी जो रहता है वो सच्चिदानंद है, जगत है ही नहीं। तो अपनी अपनी नजरिया से वो नहीं है और अपनी अपनी नजरिया से है, ठीक है। बाबूजी आपके सेवा में सदा रुचि बनी रहे यही मैं चाहता हूँ। तो मेरी सेवा क्या है ये पहचान लो, मेरी कौन सी सेवा में रुचि बनी रहे। मेरी कौन सी सेवा में रुचि बनी रहे। मेरी रुचि बनी रहे ये सवाल ये इच्छा ही गलत है। रुचि को तो छोड़ो, मेरी कोई रुचि न रहे। सेवा में रुचि बनेगी तो भोग की रुचि से बचने के लिए सेवा की रुचि अच्छी है, विकारों की रुचि से बचने के लिए सेवा की रुचि अच्छी है, लेकिन बाद में तो रुचि तो रुचि है। भगवान हर घट में आपका दर्शन कैसे हो और हर सांसों में आपका अनुसंधान कैसे प्राप्त हो। हर घट में आपका दर्शन कैसे हो, हर श्वास में आपका सुमन कैसे, हर घट में हमार दर्शन, तो हर घट में हम कैसे घुसे दिखेंगे। हमारी आकृति का दर्शन चाहते हो कि हमारा दर्शन चाहते हो। बोले आपका दर्शन बापूजी दिखे, बापूजी दिखे, बापूजी दिखे, ऐसे प्यारे प्यारे दाढ़ी वाले दिखे, तो तुम्हारा भावना का दर्शन होगा। अतत्व रूप में तो हर घट में मेरा जो मैं चैतन्य आत्मा है वो सब में है, आप मान लो सत्संग करके जान लो। दिखेगा तो दिखने वाले एक तो हर घट में भगवान या बापू जी या इष्ट जी दिखे और दूसरा देखने वाला, लेकिन वास्तव में जो देखने वाला है वो असली रूप में तुम क्या हो इसको जान लोगे तो फिर हर घट भर घट सब ठीक हो जाएगा। हर घट में बापू जी का दर्शन करना कौन चाहता है उसको खोज लो तो हो जाएगा सब काम। मने क्रिया बहुत है जे अन सवारे सत्संग हाबड़ू ने तो खूब रोड खूब रोडू जो तो चलो ये भाव दशा है। ऐसा तो मेरा को भी होता था, रामकृष्ण को भी होता था, तो भाव दशा है, अच्छा है, चुप रहते हैं, अकेले में रहते हैं, आनंद आता है, कभी हंसी संतन शांति मिलती है, चलते जाओ आगे बढ़ते जाओ, अच्छा है, सारू छे थवा दो बाबा मास में कसु करे आऊ ना थाय आऊ थऊ जो ए आग्रह छोड़ी देजो सम चालो। मन एक ही होते हुए बुद्धि चित्त अहंकार किस प्रकार होता है। देखो उस चैतन्य में संकल्प विकल्प उठा तो मन बन गया, निश्चय हुआ तो वही बुद्धि बन गया, चिंतन हुआ तो उसको चित्त बोल गया, और किसी शरीर में अथवा परिस्थिति में मैं हुआ तो अहंकार बन गया। वही वृत्ति होती है वृत्ति, उसको कलना भी बोलते हैं, संवित भी बोलते हैं, फुरना भी बोलते हैं। तो संकल्प विकल्प वाला फुरना वृत्ति संवित मन, निर्णयात्मक हुआ तो बुद्धि, चिंतनात्मक हुआ तो चित्त, अहमात्मक हुआ तो अहंकार। श्री हरि प्रभु हाँ। चालू सत्संग में जब मन नी संकल्प अवस्था में विषयों से उपराम होकर आने लगता है तो प्राय निद्रा का व्यवधान क्यों होने लगता है और इसका निराकरण कैसे हो प्रभु। निद्रा का व्यवधान क्यों होता है कि शरीर में थकान होती तो निद्रा का व्यवधान होता है, अथवा तो भीतर का रस नहीं मिलता तब व्यवधान होता है। तो इसमें निद्रा ठीक ले लो, नहीं तो थोड़ी निद्रा आती है तो डरो मत, निद्रा के बाद फिर शांत हो जाओ, व्यवधान नहीं है निद्रा भी। चिंतन करते करते थोड़ा निद्रा में चले गए, थक मिटेगा तो फिर चिंतन में चले आओ। इतना परिश्रम नहीं करो कि साधन में बैठे कि निद्रा आ जाए, और इतना जागो मत कि निद्रा की कमी रहे, और इतनी निद्रा कम में मत करो, इतनी निद्रा ज्यादा मत करो कि भगवान में शांत होने का समय ना मिले। ठीक से नींद करो, ठीक से ध्यान भजन का समय निकालो, और रुचि भगवान में होगी प्रीति तो निद्रा नहीं आएगी, और थकान होगी तो भी निद्रा आएगी, थकान भी ना हो।
और थकान है निद्रा आती है तो अच्छा ही है, स्वास्थ्य के लिए ठीक ही है। भगवान ने दुनिया बनाया क्यों प्रभु? भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? भगवान ने दुनिया बनाया कि तुम भगवान से मिलो। भगवान ने दुनिया बनाया कि तुम भगवान का रस पालो, तुम भगवान का ज्ञान पालो, तुम भगवान का आनंद पालो और तुम भगवान हो जाओ। इसीलिए भगवान ने दुनिया बनाई है। जाओ मेरे गुरुदेव की। बापूजी, मृत्यु के समय साक्षात्कार हो सकता है लेकिन जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है तो मूर्छा आ जाती है, फिर साक्षात्कार कैसे होगा? देखो, जिनको मूर्छा आ जाती है उनको साक्षात्कार की रुचि नहीं होती तो मूर्छा आ जाएगी। जिनको साक्षात्कार की रुचि होती है वो तो मूर्छा, तो क्या मूर्छा आ भी गई थोड़ी देर के लिए तो विश्राम है। विश्राम के बाद जैसे आप पढ़ते पढ़ते सो गए तो फिर जब जगते हैं तो पढ़ाई याद आएगी ना। बात करते करते चिंतन करते करते सो गए, थकान थी, विश्राम मिला, फिर वही दशा होगी। सोने के पहले जैसा चिंतन था, चित्त था, सोने के बाद आ जाएगा। इसमें मूर्छा क्या बिगाड़ लेगी हमारा? भगवान का सत्संग सुना है, भगवान को अपना आत्मरूप मानते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, गुरु से दीक्षा शिक्षा लिया है तो मूर्छा भी आ गई, थकान में नींद भी आ गई, तो क्या वो निगड़ी क्या बिगाड़ लेगी? घर में कुतिया आ गई तो मालिक हो जाएगी क्या? घर में कुतिया आ गई तो मालिक हो जाएगी क्या रसोड़ी की? चलो डरो मत। बापू जी, मुझे पूछना है। हाँ? श्री आस्था रामायण का जो एक पंक्ति है, घटक तोड़ जल जल ने मिलाया, जल प्रकाश आकाश मिछाए, का तात्पर्य क्या है? घटक तोड़ जल जल में समाया, जल प्रकाश आकाश में छाया। जैसे कबीर ने कहा, कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, घड़े में पानी, पानी में घड़ा, है तो बाहर भीतर, फिर भी घड़े की आकृति है तब तक ये घड़े का पानी और ये सरोवर का पानी, और घड़ा फूटा तो अब घड़ा घड़ा नहीं रहा, सरोवर बन गया। तो फिर उसमें जो चांद दिखेगा, सूर्य दिखेगा, घड़े भर का नहीं दिखेगा, सरोवर भर का दिखेगा। ऐसे ही देह को मैं माना तो ये घड़ा था, और गुरु की कृपा से मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं, इंद्रिय नहीं, बुद्धि नहीं, मैं विश्रांति पाई तो अणु विभू हो गया, जीवाणु फूट गया। जैसे फुग्गे के अंदर आकाश होता है, बाहर भी आकाश होता है, फुग्गा फूट गया तो फुग्गे का आकाश महाकाश से मिल गया, ऐसे ही घड़ा टूट गया तो घड़े का पानी और सरोवर का पानी एक हो गया। बाबू जी, हाँ, हम आपकी शरण में रहते हैं तो संसार का सुमिरन नहीं होता। हाँ। अब संसार में जाते हैं तो आपका सुमिरन कैसे हो? हमारी शरण में रहने से अच्छा लगता है तो फिर काहे कुछ संसार में जाते? अभी संसार में जाएंगे तो काहे को जाना, क्यों जाएंगे? आपका सुमिरन कैसे हो? अरे सुमिरन क्यों भरसा, हमारी शरण में रहने से अच्छा लगता है तो संसार में क्या रखा है, क्या जख मारेगा, रहो हमारी शरण में। सुनो, सुमरण कैसे रहे कि संसार में जाएं? आपका सुमरण कैसे रहे कि संसार में जाएं? सुख लेने के लिए नहीं जाएं, अपना कर्तव्य पालें और फिर सुख अपने अंतरात्मा में आए, परमेश्वर में, तो परमेश्वर के सुमरण में आते जाएंगे, फिर संसार फीका होता जाएगा, परमात्मा का रस बढ़ता जाएगा, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शांति, परमात्मा में भी शांति से बुद्धि भी दिव्य बनेगी, मन भी पवित्र होगा। सुमरण ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होट, ऐसा सुमरण हो, शांति आनंद माधुर्य। हरि ओम बापूजी, आप हाँ। कहते हैं कि तू आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, ये कैसे सुलभ होगी? भटकाव आता है बापू जी, भटकाव आता है तो यही तो बहादुरी है कि भटकावों से पार होने के लिए तो मनुष्य जीवन मिला है ना। मनुष्य जीवन में वो बुद्धि मिली है और भटकाव आया है
तो जितना भटकाव आया है उससे सवाया पुरुषार्थ करने से भटकाव से निकल जाएगा आदमी। और जहाँ भटकाव आया उस भटकाव को महत्व न दो, फिर भी भटक जाए तो पुकारो भगवान को, हे माना मेरे नाथ, सारे जगत के स्वामी हूँ, सर्वत्र हूँ, मुझे मदद करने में समर्थ हो, हे नाथ, हे प्रभु, भटक रहा हूँ। उसी समय सहायता, देर कहाँ, हे प्रभु, हे नाथ, हो हरि हरि, पुकारो भगवान को तो भटकाव से बच जाओगे बेटे। चलो, जब ध्यान के समय में कर्ता भाव होना चाहिए या दृष्टा भाव होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए? भाव कोई ना हो, शांत, न करता न अकर्ता, अकर्ता हूं तो भी एक भाव है, करता हूं तो भी भाव है, भाव तो भाव है, भाव मन शरीर में, साधक मन शरीर से भी परे जाए, भाव अभाव कुभाव सुभाव सब माया मात्र है, माया मात्र मिदम सब, ओम। सभी भावों का आधार जो है उस परमात्मा में ये भाव आते जाते हैं और उसको जानने वाला नित्य परमात्मा रहते हैं। ओम शांति, ओम आनंद, समता भाव, समत्व योगम उच्यते, समता भाव सबसे ऊंचा योग है। चलो, थोड़ी देर में बहुत कुछ जानने को मिल गया। हरिओम बापूजी। हाँ। मरते समय अगर मुक्ति हो जाए तो क्या फिर से जन्म लेना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान के लिए? मरते समय मुक्ति हो जाए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा? बोलो, मरते समय मुक्ति हो जाए तो फिर से ब्रह्म ज्ञान के लिए जन्म होना पड़ेगा क्या? जब मुक्ति हो गई तो जन्म कैसे हुआ? और एक बार अपने मुक्त स्वभाव को जान लिया फिर जन्म लेना जन्म ही नहीं है, मरना मरना ही नहीं, फिर तो खेल है। जैसे इधर आना और हमारे कमरे में आना तो क्या जन्म मरना? मुक्त आत्मा के लिए तो फिर उसके लिए तो सारा संसार खेल मात्र है, न जन्म है न मरना है। चोला कपड़े बदलना कोई मरना है क्या? ऐसे ही शरीर बदलना कोई मरना है क्या? अपने अमरत्व को जान लिया, चिदानंद स्वरूप को जान लिया, कर्म के कर्तापने को, सुख दुख के भोक्तापने को मिथ्या समझ के मन बुद्धि के भावों से पार अपने समत्व स्वरूप को जान लिया तो उसके लिए जन्म जन्म नहीं, मृत्यु मृत्यु नहीं, दुख दुख नहीं, सुख सुख नहीं, पुण्य पुण्य नहीं, पाप पाप नहीं, हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप, ऐसा हो जाता है, बहुत ऊंची अवस्था हो जाती। चलो, और गुरुदेव आप पर श्रद्धा अचल कैसे हो? जब अनुकूलता रहती है तब तो ऐसा लगता है कि हाँ श्रद्धा है मेरी बहुत अच्छी, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तब श्रद्धा में थोड़ा माने विचलता आ जाती है, तो ये स्वाभाविक है पहले पहले होना अथवा मेरी कमजोरी है? देखो, एक होती तामसी श्रद्धा, अपना काम बना तो देव, नहीं बना तो दुश्मन, ये तामसी श्रद्धा होती। राजसी श्रद्धा होती है, काम बना तो बहुत अच्छे, नहीं काम बना तो बेकार, छोड़ अपना क्या। सात्विक श्रद्धा होगी, काम बनो चाहे ना बनो, मारो गुरु कलाल खाने जाए तो मारो गुरु मारो नंद राय, ये सात्विक श्रद्धा। सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए लेकिन हमने एक बार गुरु जी मान लिया बास हो गया, ऐसा सात्विक श्रद्धा वाला पुरुष भौतिक जगत में भी सफल हो जाएगा, आध्यात्मिक जगत में भी सफल हो जाएगा। तो भजते माम दृढ़ व्रता, जिसका दृढ़ व्रत है, दृढ़ संकल्प है, उसकी श्रद्धा भी दृढ़ हो जाती। लेकिन जो अनुकूलता का भगत है वो श्रद्धा अश्रद्धा बढ़ती घटती खटती पिटती रहती। अगर निगरे लोगों के संपर्क में रहेगा, उनके हाथ का खाएगा, हाथ मिलाएगा, उनके जीवन को उनके व्यवहार को महत्व देगा तो सात्विकता घट जाएगी, तो श्रद्धा डगमग हो जाएगी। फिर सज्जनों के संग में आएगा, गुरुद्वार पे आएगा तो सात्विकता मिलेगी, तो फिर श्रद्धा बढ़ेगी। तो सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा, भगवत प्रसाद जन्य श्रद्धा, तो जैसा जैसा आपका चित्त ऊंचा होता है उतनी उतनी दृढ़ श्रद्धा और ऊंची श्रद्धा हो जाती, ठीक है? चलो बापू, जब सवेरे माला करती हूँ तो दिन भर का चिंतन चलता है, ये करना है ये करना है, और जब दिन भर काम करती हूँ तो भगवान का चिंतन चलता रहता है, आपका चिंतन चलता रहता है, गुरुदेव का पूरे समय तब याद आता है। ये सभी को होता है, जब ध्यान भजन में बैठेंगे ना
तो संसार का चिंतन होगा, और संसार के काम में रहेंगे तो भगवान का गुरु का चिंतन होता है। ये सब के साथ है सब, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो उसमें लगे रहते हैं, तो फिर अंदर की असली प्यास भूख ईश्वर के तरफ के, तो उधर का चिंतन करेगा। जब उधर करते हैं तो काम से फारिग हो गए तो थोड़ा समय मिला तो जिधर का संस्कार पड़ा है वो भी खुल जाएगा। तो उस समय क्या करें, उस चिंतन को सच्चा ना माने। भजन करते हैं तो संसार का चिंतन आता है, उसको सच्चा ना माने। अब लंबा श्वास लेके रोके, त्रिबंध करके ओम शांति। संसार स्वप्न है, ये चिंतन अच्छा बुरा सब चित्त का है, ये चित्त के दोष आकर्षण है। मैं तो भी शांत हूं फिर भी चिंतन चलेगा। ओम, न चिंतन से लड़ो, न चिंतन से जुड़ो, न चिंतन को मिटाओ, उपेक्षा कर दो। ओमकार का गुंजन करके शांत होते जाओ, फिर हो जाएगा, फिर शांत हो जाए। शयने शयने धीरे धीरे, जैसे बालवत लालते मनम, जैसे बच्चे को धीरे धीरे घुमा फिरा के पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया जाता है, ऐसे मन को बार बार भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत विश्रांति मिलाया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा न, अभ्यास न तू कौंते वैराग्य न गृहते। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को धीरे धीरे ले आओ परमात्मा तत्व में। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मनेव वशम नयेत। जहां जहां मन जाए वहां से उसको घुमा के, अथवा तो फिर जहां जहां मन जाए उसकी गहराई में भगवान की सत्ता याद दिलाओ। समझो गंगा जी दिखी, पानी दिखा, चोर दिखा, अच्छा दिखा, बुरा दिखा, उसकी गहराई में कौन? चैतन्य आत्मा। तो चिंतन से भिड़ो नहीं, चिंतन में बहो नहीं, चिंतन के मूल में अपना स्थिति आ जाए। इसको बोलते अविकंप योग। निश्चिंत होके शांत रहे वो तो योग है, लेकिन व्यवहार में भी रहे तो योग छूट गया नहीं, व्यवहार में भी वो चिंतन। तो व्यवहार में भगवत चिंतन आता है तो अच्छा है, परमार्थ में संसार का चिंतन आता है तो संसार की गहराई में कौन है, तो वहां भी भगवत चिंतन हो जाएगा। और भगवत चिंतन का मतलब चिंतन करते ही रहो, चिंतन करते करते चिंतन रहित, न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी चिंतन ना हो। और फिर भी कोई होता है तो चिंतन होता है चित्त में, हो तो आ और म के बीच चिंतन रहित अवस्था है। और वो एक टक देखते रहेंगे और चिंतन और रहित अवस्था में टिकने का अभ्यास करेंगे तो 10 मिनट में कुल मिला के जरा जरा करके आधा मिनट एक मिनट भी निसंकल्प अवस्था आई, तो फिर धीरे धीरे डेढ़ दो मिनट चार मिनट बहुत हो गया। निसंकल्प अवस्था का यात्रा में बहुत कुछ हो जाता है। बापूजी आपके चरणों में शरण का मतलब क्या है, शरीर से पास में रहना या आपके सिद्धांतों में चलना? मेरे चरणों में रहने का मतलब है शरीर के पास भी नहीं रहना, उधर भी नहीं रहना। मेरे चरण कहाँ है? मेरे चरण कहो, भगवान के चरण कहो, वास्तविक में गुरु भगवान ये उनकी शरण क्या है? जहां से स्फूर्णा उठता है उस स्फूर्णा के उठने के मूल में जाना ही गुरु की शरण है, भगवान की शरण है। ऐसा नहीं कि किसी के पैरों में पड़े रहे, मंदिर में पड़े रहे।